महासमुंद जिले के सरायपाली में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस 10 क्विंटल 50 किलो गांजा जब्त किया, साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को उड़ीसा से गांजे की खेप लाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर बालसी गांव के पास आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी तरबूज की बोरियों के नीचे गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। वहीं आरोपियों से बरामद गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। महासमुंद जिले में हम लगातार गांजे की तस्करी के लिए नाके बना रखे हैं और नाकों पर लगातार चेकिंग चलती रहती है। कभी कभार इस तरह के लोग दूसरे में छुपाकर ऐसे गांजे की तस्करी करते रहते हैं और इससे पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। कल की घटना है, दो अंतर्राज्यीय तस्कर बताए जा रहे हैं जो उड़ीसा से गांजा लेकर एमपी के पन्ना लेके जा रहे थे और पप्पू पाल नाम का व्यक्ति और लीलाधर पाल, दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जो स्वराज माजदा को उड़ीसा में से गांजा भर के लेके आ रहे थे। पुलिस द्वारा यहां रोकी तो वो भगाने का प्रयास किया गया और ऊपर कलिंदर भरे हुए थे, नीचे जब पुलिस द्वारा संदिग्ध गाड़ी होने पर इसको चेक किया गया तो इसमें गांजा के करीब 10.5 क्विंटल गांजा मिला है, जो जिसकी बाजारी कीमत करीब 2 करोड़ 18 लाख।